मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज रविवार को सुल्तानपुर पहुंचे। शहर के निकट कुतुबपुर में सिस्टर नेतू इंटरनेशनल इंटरमीडिएट कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मीडिया से मुखातिब उठे सवालों का जवाब देते हुए बोले कि घोटाला करने वालों की जगह जेल है, जो भी अधिकारी घोटाला में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा एक बड़ा घोटाला 2018 का था, घोटाले वालों की जगह जेल में है, कोई घोटाला करेगा वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा प्रयास उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को अच्छी सड़कें देना, अधिक से अधिक समय तक बिजली देना है, अच्छी सुरक्षा देना है, प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना है। और कहीं कोई घोटाला करेगा तो जब पिछले घोटाले करने वाले नहीं बच पा रहे, इस समय कोई घोटाला करेगा तो पिछला वाला ही कोई होगा गड़बड़ कर रहा होगा, उस समय तो उसको लग रहा होगा कि भाजपा सरकार में भी ऐसा संभव है, तो असंभव है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई। जो इतनी आप लोगों की शक्ति के बाद भी किसी भी विभाग में आज शिक्षा का विभाग और चिकित्सा का सुल्तानपुर थाना क्षेत्र कूरेभार के जज्जौर गांव में आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष रविवार को आमादा फौजदारी हुए और जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग चोटिल हुए। थाना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जनपद में जानलेवा स्मैक सौदागरों पर पुलिस कप्तान शिवहर मीणा की सख्ती के बाद नशा सौदागरों ने भी स्मैक बिक्री के नए पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि पुलिस की पैनी नजर से इनका बच पाना नामुमकिन ही लग रहा है। स्मैक बिक्री कारोबार में महिलाओं की संलिप्तता का पर्दाफाश हुआ है। निराला नगर चौकी प्रभारी सुरेश कुमार ने कंचन पत्नी श्रवण कुमार निवासी करौंदिया को 390 मिलीग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंदी पर हैं। आज रविवार को दोपहर बड़गांव नहर पुलिया के पास बेखौफ बाइक सवार नगापोसों ने एक महिला से पहने जेवरात झपट लिए। पीड़ित महिला सरिता संभावा से धरौली अपने भाई राजकमल के साथ रिश्तेदारी जा रही थी, तभी पीछे से बाइक पर पहुंचे नकाबपोशों ने राजकमल की बाइक को धक्का देकर गिरा दिया और तमंचा सटाकर सरिता के पहने सोने के झुमके व अन्य ज्वेलरी झपट कर चंपत हो गई। घटना स्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी विश्वनाथ यादव ने पीड़ित महिला से पूछताछ के बाद कार्यवाही शुरू की है। के गाजीपुर इलाके में शिवालिक नाम के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आसपास की कई दुकानों को भी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।